गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं किशनगंज जीके ग्रुप और आज तारीख है 5 अक्टूबर 2019। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक्सरसाइज एफडी लॉन्च किया है? आंसर, एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है, आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान मिला है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में और यह विश्व पर्यटन दिवस 27 फरवरी को दिया गया है और यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार में 76 पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है, ग्रेटा थुनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रमोशन अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जागिरी अभियान शुरू किया है? आंसर है, उत्तराखंड। जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, कैपिटल देहरादून है, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो फूलों की घाटी और जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जब जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पहले जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। अब बात करते हैं ऊर्जागिरी अभियान का। यह अभियान क्या है? उत्तराखंड में बिजली चोरी को रोकने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? यह ट्रेन लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तक चलेगा और यह भारत का पहला ऐसा ट्रेन है जिसमें 1 घंटा ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को 100 रुपया तथा 2 घंटा या 2 घंटे से अधिक लेट होने पर 250 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए प्रकाश PRAKASH लॉन्च किया है? तो कोयला खान एवं संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8, अमृत लुगिन को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ग्रीस, और यह 1989 बैच के ऑफिसर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, HL त्रिवेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये भारत के किडनी के डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 10, अमूर एस लक्ष्मी नारायण को किस कंपनी का MD एंड CEO बनाया गया है? तो ये TCS कंपनी, टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त अभ्यास एक्यूवेरिन का 10वां अभ्यास किस देश के बीच में हुआ? भारत और मालदीव के बीच में। जब भारत और मालदीव की बीच की डिवाइड लाइन को क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। और वहाँ के प्रेसिडेंट क्या कौन है? सोहिल खान है। क्वेश्चन नंबर 11, एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप की विजेता कौन बने हैं? आंसर है, अब्दुल कादिर खान। और यह चैम्पियनशिप कहाँ आयोजन किया गया? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त अभ्यास 9 मेडिक एलिफेंट 2019 किस देश के बीच में हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच में। अब बात करते हैं मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल कहाँ पे? उआल बतोर। मुद्रा तो गोर्ग। प्रेसिडेंट साखियाजिन एल्बोदर्ज। क्वेश्चन नंबर 11, किसे प्रतिष्ठित नॉनसेन पुरस्कार शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजीब बेग, आशुरोष। यह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के द्वारा दिया गया है और यह गिलगित बलूचिस्तान के मानवाधिकार वकील हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? यह उड़ीसा के CM के द्वारा किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर। जब भी बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है और उस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के
APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पे अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर सुशील चंद मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 16, किसे स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है सचिन तेंदुलकर और यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सचिन तेंदुलकर को दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा मिलेगा? तेजस एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे चुना गया है? आंसर है बेन स्टोक। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।